हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। माय नेम इज़ संजय प्रताप। आप देख रहे हैं संजय प्रताप व्लॉग। काफ़ी दिनों से वीडियो आई नहीं है। हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और आज सारी वीडियो यूनिवर्सिटी की होंगी और डेली वीडियोस आती भी रहेंगी। और जैसे भी हम मिलाना चाहेंगे अपने रूममेट उज्ज्वल शर्मा से, जूते पहन रहे हैं। हम लोगों को 1.5 साल हो गया इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए, मैंने आज तक एक भी वीडियो नहीं डाली यूट्यूब में, मगर आज से वीडियो डालना चालू कर रहा हूँ। तो बने रहिएगा मेरे चैनल पे। तो हम तैयार हो चुके हैं, खाना भी खा चुके हैं, अब निकलते हैं यूनिवर्सिटी के लिए, क्योंकि हमारी क्लास 1:30 बजे से है और हम लोग कानपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, क्योंकि आज 26 नवंबर संविधान दिवस के रूप में कार्यक्रम होने जा रहा है हमारे सभागार में, यूनिवर्सिटी के सभागार में। तो उसके लिए हम लोग निकलेंगे और आज हम घर भी निकल रहे हैं, जो कि हमारे भैया और भाभी का एनिवर्सरी है। तो तैयार होते हैं फटाफट और निकलते हैं। हमारा भाई पहनेगा नई जैकेट। चलो अपने घर से यूनिवर्सिटी के लिए और फिर घर के लिए। अभी हम लोग जा रहे हैं यूनिवर्सिटी के लिए उज्ज्वल शर्मा। अरे गाड़ी आ गई, गाड़ी आ गई, गाड़ी आ गई। हाय हाय, बस आओ गाड़ी। अरे पैसे ले लिया अपनी गाड़ी, ये बात है और क्या। जब जब पैसे नहीं तो दे रहे ना पैसे, मां ये क्यों बेचारा बुढ़ा पे ज्यादा बोल लो, नहीं चलना है अब तो गाड़ी सारी बात कर दूं। देखो इधर पीछे, देखो इधर पीछे साले, तभी मैंने माफ करना हो, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। नशेड़ी बन जाएंगे यार हम लोग हैं, कुछ कहना चाहोगे इसके बारे में? क्यों नहीं, ये कॉलेज लाइफ में हमारा बहुत जरूरी है। आधी आधी खाते हम दोनों, वैसे भी कोई देख लेगा अभी अपनी क्लास के बच्चे तो दौड़ते। वैसे भी हम लोग सीनियर हैं तो हमसे कुछ कहने वाला कोई है नहीं, इस वजह से जैसा हम करेंगे वैसे हमारे जूनियर्स करेंगे। नहीं, अपने क्लास के बच्चे भाई, अपने क्लास के बच्चे। तो इसमें होने वाला है अभी 26 नवंबर को संविधान दिवस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिवस। ऊपर का दिखाओ, ये हमारी यूनिवर्सिटी। गुड मॉर्निंग आंटी। ये हमारा छात्र पढ़ने वाला,
इनके लिए भी कुछ शब्द हमारे क्लास के अभिगत प्रांजल सर। ये लड़का जितना हमारे क्लास के हमारा छात्र प्रांजल सर क्या देख रहे हैं, रील्स देखा जा रहा है भाई, रील्स। कुछ कहने से हो गए जिंदगी बर्बाद। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? मिश्रा जी कुछ कहोगे? हमारे तिवारी सॉरी साले, तभी मेरे माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता। सॉरी क्या सॉरी 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 सॉरी। अरे तिवारी जी बोलोगे कुछ? सब सब क्या शब्द नहीं है, शब्द नहीं है। बालक बड़े हो गए, बालक बड़े हैं देख लो, बड़े हो गए। ये क्या कर रहे हो भाई? आओ बुला के लाते हैं। ये तो पूरा वो लग रहा है जैसे इतनी ठंडी होने लगी है अभी से, टोपा डाले हैं। कहाँ चल रहे हो तुम लोग? चाय पीने जा रहा हूँ मैं। चाय पीने चलो, 10 रुपए दो, 3 चाय पी लेंगे। देखो गाइस हम क्लास ही रहते, हम चाय पीने जाते हैं गाइस। तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? चुप। जे हमारे बाप नाम मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और संवेदनाओं को समझे यार। क्या क्या और बोलते हैं, बेल आइकन सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना है कि ठोकना है? मैं नहीं बताऊंगा। नहीं नहीं ये सब नहीं ये गलत बात है। और घंटी दबा देना, घंटी दबा देना और लाल वाला जो है ना उसको और लाल कर देना। तो थैंक यू, लाल को सफेद कर देना। और ये एक ये चूतिया पीला वाला, एक वो उधर, और मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ। हमारी यूनिवर्सिटी का मेट्रो स्टेशन, कुछ दिनों में भैया के इंटरव्यू लेने आएंगे। क्यों भैया दोगे ना इंटरव्यू? फ्री होंगे तभी। अभी बिजनेस बड़ा चल रहा है क्या? सही कहा, डेट लेके आना, डेट अपॉइंटमेंट ले, अपॉइंटमेंट दे देना जब हम लोग आएंगे। वैसे भी हम लोग पत्रकार हैं। तो हम लोग आ चुके हैं अपने प्रोजेक्टर लैब में और क्लास ले रहे हैं हमारे सागर सर, जो कि लोगों से प्रोडक्ट का इंस्टाग्राम पोस्टर बनाना सिखा रहे हैं। क्लास लेते हैं, क्लास लेने के बाद फटाफट चलते हैं दीनदयाल सर। तो क्लास होने के बाद हम लोग आ चुके हैं दीनदयाल, जहाँ हमने बताया था आपको कि दीनदयाल में यहाँ पे कार्यक्रम होना है, वहीं पे आ चुके हैं। और हमको एक काम भी मिल चुका है, ये नाम प्लेट्स लगाने का। तो चलो लगाते हैं नाम प्लेट्स। टाक्स मंडे को मांगे तो शाम जल्दी आ जाएंगे। मंडे आ जाएगा? हाँ बड़े बड़े लोग। हेलो हेलो
हेलो हेलो बंद नहीं कर दिया है। हेलो 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 माय नेम इज संजय प्रताप। हेलो एक एक माइक पे। हेलो हेलो इसमें नहीं आ रही है। हेलो नहीं इसमें दोनों जब आएंगे तब लॉक ऑन करना पड़ेगा। हेलो ये छोड़ दो लॉक ऑन छोड़ दो। हेलो दोनों मिला के रखना। हेलो हेलो ठीक है दोनों मिला के रखना। हमारी क्लास के होनहार छात्र प्रियांशु गुप्ता जी जो कि कभी कभी आते हैं सिर्फ कभी भी अपने हाथ की मैगी बना के नहीं खिलाते हैं। क्या कहने सर पढ़ते नहीं इसलिए यहाँ पे। सागर सर इनको रोज कहते रहते बेटा या आप हमारे डिपार्टमेंट के बच्चे हैं मगर ये कहते हैं मुस्कुरा के चले जाते हैं। तो कहा करो नहीं तो सर मैं आपका बच्चा हूँ तो सर क्या करें अब हम क्या कहें जब हम आएंगे नहीं हफ्ते भर हफ्ते में एक दिन आएंगे और उनकी क्लास नहीं लेंगे तो बेइज्जती बहुत बुरी मारते हैं इनकी। बेइज्जती तो होती रहेगी जहाँ बेइज्जती ना जहाँ बेइज्जती है वहीं इज्जत भी। तो हम लोग आ चुके हैं अपने दीनदयाल सभागार में। हम लोग का कार्यक्रम भी शुरू हो चुका है और सभागार को संचालित करते हुए हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर ओम शंकर सर। विद्वान विद्यार्थियों इसलिए कह रहा हूँ मुझे पत्रकारिता के छात्र विद्वान ऐसा मेरा मानना है। थोड़ी सी विद्वता होगी उसे लिखने पढ़ने पाने का शौक होगा वही पत्रकारिता में आगे बढ़ेगा अन्यथा नहीं। किसी भी स्टोरी को कहानी को कविता को एडिट करके उसे अपने अखबार में छापना साधारण कार्य नहीं होता और उसे जुड़े लोगों के साथ संवाद करना और अपने मतलब की सामग्री को जुटाना और साधारण काम नहीं होता। हमें आपसे जानकारी हासिल करने की कल के लिए हम क्या समाज के सामने प्रस्तुत करें उस विषय वस्तु का चयन करना और आपसे उस अर्थ को निकालना ये साधारण कार्य नहीं है इसलिए पत्रकारिता के छात्र दुकानें होती हैं। आज स्थिति पूरी दुनिया में बिल्कुल भिन्न हो चुकी है। भारत सभी मंचों का अध्यक्ष बन जाता है सारी दुनिया में भारत की चर्चा होती है और अध्यक्षता भारत को दे दी जाती है। पूरी दुनिया डेमोक्रेटिक सिस्टम के बारे में भारत से सीखने की कोशिश करती है कि यहाँ का गणतंत्र कैसा है यहाँ के गण कैसे हैं। कई हाथी मिले और जब हाथी मिलता था तो उसके जायदाद भी उसके साथ में मिलती थी कुछ हिस्सा दिया जाता था राज्य का जिससे हाथी को खिलाया जा सके क्योंकि हाथी को खिलाना सामान्य परिवार की बात नहीं थी। तो जहाँ हुआ कि गंग साहब कविता सुना रहे थे और सुनाते सुनाते कुछ गलती हो गई एक सौंदर्य का निरूपण करते करते मैं दरबार सर और विभाग विभाग अच्छे से सम्मान मैं विभाग अध्यक्ष जी का आह्वान करता हूँ कि वो दरबार अध्यक्ष का सम्मान करें वरिष्ठ हैं अब मैं विभाग अध्यक्ष महोदय को आह्वान करूँगा। कार्यक्रम के समापन के बाद सभी लोग हंसते मुस्कुराते हुए डिपार्टमेंट की ओर जा रहे थे और मैं भी डिपार्टमेंट जाऊंगा और उसके बाद थोड़ा रुकूंगा फिर अपना बैग लेने के बाद अपने घर की ओर प्रस्थान करूंगा। मैं भी हंसता मुस्कुराता हुआ कैमरे को
इधर उधर घुमाते हुए कुछ सोचते हुए घर गया। उसके अगले दिन मैंने दैनिक जागरण में कुछ लिखा था, उसमें लिखा था कि सब कुछ लूट जाने के बाद भविष्य बाकी रहता है, मतलब सब कुछ हार जाने के बाद आपका जीवन आपका भविष्य आपके साथ रहता है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि मेहनत करते रहो, बल्कि भविष्य में जो होगा वो तो होके रहेगा यार। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।